हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और आपको बताते चले कि सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो जाने की तैयारी है वो लगभग हम लोग पूरी कर लिए हैं। और अभी जो जिस तरह की बातें आपको हम बता रहे हैं उससे मात्र एक चीज़ की कमी है कि अभी जो आर्थिक सहायता है यानी ग्रुप के लोगों के साथ और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो लोग चाहते हैं कि सचिवालय सहायक की परीक्षा में जिस प्रकार की धांधली हुई है और पीटी से लेकर मेंस तक लगातार जिस तरह की चीज़ें हुई सब चीज़ों को लेकर आपको हम अपडेट कराते रहे थे और लगभग लगभग सुप्रीम कोर्ट जाने का जो निर्णय हुआ हमने अपने डॉक्यूमेंट लॉयर को दे दिया है। और रही बात सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वह है कि पैसे की कमी। आप सबको पता है कि अभी तक मात्र 50,000 रुपये के आसपास ही इकट्ठे हुए हैं और लोगों की उम्मीद है अभी पहले में लॉयर का कहना है कि 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक अभी जमा करने होंगे और ओवरऑल जो खर्च होगा वो 6-7 लाख रुपये के आसपास होगा। तो अभी जो चीज़ है कि क्या लगातार जो ग्रुप के लोग बोल रहे, टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया गया था लगभग 7-8 दिन पहले और उस ग्रुप के लगभग सभी लोगों का कहना था, जहां तक साथियों पता है कि जब भी रिजल्ट आया है मेंस का उसके बाद से लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाया जाए, किन किन बिंदुओं की चर्चा अगर आप करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि जो भी हलफनामा माननीय उच्च न्यायालय के तरफ में दिया गया आयोग के तरफ से या ईओयू के तरफ से वो सारे चीज़ों पर एक बात है कि 2 शिफ्ट की परीक्षा रद्द नहीं की गई, इसलिए नहीं की गई क्योंकि उसमें पेपर लीक नहीं हुआ था और 1 शिफ्ट की परीक्षा पेपर लीक हुआ था तो रद्द कर दिए। सारे चीज़ों पर 23 की 2री पाली और 24 की 1री पाली के भी पेपर आउट थे, परंतु इस तरह की चीज़ें हैं। आप कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आपने माना है कि 2 मिनट पहले एक लॉयर एक प्यून द्वारा जो है मोबाइल को सर्कुलेट किया गया और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है कि अगर 1 सेकंड पहले भी पेपर आउट होता है परीक्षा के समय में प्राप्त होने के पहले तो आपको परीक्षा रद्द करना पड़ेगा। परंतु हम लोग की माननीय उच्च न्यायालय में जिस तरह के फैसले आए हम लोग फैसले का सम्मान करते हैं, परंतु इतना जरूर है कि अभी हाल में ही जिस तरह की चीज़ें हुई है सिपाही भर्ती CSBC का जो आया है, चेयरमैन खुद बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक 1 दिन पहले ही हो गया था। उस दिन के बाद छोड़िए 1 दिन पहले, आप IEOU का लगातार रिपोर्ट देखिए, उसका नोटिस देखिए, सारी चीज़ों पर आपने अपने स्पष्ट चीज़ों पर आपने राय दिया कि आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल सही काम कर रही है, जो भी बड़े बड़े गिरोह के अपराधी सनद कर रहे हैं सबकी गिरफ्तारी तय है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह के काले कारनामे में और पेपर लीक के मामले में उजागर होने की जो चीज़ें हैं और जिसका सरगना है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो ताकि कोई भी चीज़ बचा नहीं रहे। लेकिन इस तरह की चीज़ें क्या बिहार में चलती रहेगी? क्या पेपर लीक आप जल लीजिए CGL 1, 2, 3 सब अब में पेपर लीक हुआ, इंटरमीडिएट 14 में भी पेपर लीक हुआ, दरोगा की 2 पहली की बहाली या पहले की जितनी भी बहाली हुई हम तो ये मान के चलते हैं लगभग कि इस राज्य में 8-10 वर्षों में चाहे दरोगा हो चाहे सिपाही हो चाहे इन्फोर्समेंट हो तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक हुए और सब में कहीं ना कहीं धांधली हुआ और जिन लोगों की नौकरी लगी हम 100% नहीं लेकिन 50% इतना कर देंगे सेटिंग गेटिंग के माध्यम से उन लोगों की नौकरी लगी है। तो सारे चीज़ों की जाँच होनी चाहिए थी परंतु इस तरह की चीज़ें नहीं हुई और लगातार पेपर लीक होता रहा और सरकार इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम थी, आयोग बिल्कुल नाकाम थी। हम चेयरमैन लगातार मांग कर रहे हैं कि CSB के चेयरमैन इसके सिंगल को जल्द से जल्द उस पद से हटाया जाए ताकि जो निष्पक्षता है उस चीज़ की जो गरिमा है उसको बचाया जा सके साथियों। और सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक जाने की बात है तो हमने आपने 2 सुझाव आपसे दिए थे, ग्रुप में लगभग 1400 के आसपास लोग जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में 1400 लोग जुड़े, तो हमने कहा था कि अगर इसमें 200 लोग अगर तैयार हो जाते हैं 1-1 हज़ार रुपये देने के लिए या 100 लोग तैयार हो जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये देने के लिए तो बहुत जल्द हम केस कोर्ट में फाइल कर देंगे। परंतु इस तरह की चीज़ें कल ने हमने पोस्ट भी एक किया था उसमें, परंतु कोई विशेष लोगों का इसमें दिलचस्पी लगता है कि नहीं है, परंतु लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ दिन और देखते हैं, प्रयास करते हैं, शिक्षकों से भी बातचीत चल रही है। परंतु इतना जरूर है कि जब PT का परीक्षा हुआ था और जब हम लोग कोर्ट रिजल्ट के बाद हम लोग कोर्ट में केस दर्ज किए थे तो लीक के बाद तो हम लोगों ने शिक्षकों से भी मदद लिया था, सारे शिक्षक लगभग सब शिक्षकों ने कुछ ना कुछ आर्थिक मदद किया था। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, आप शिक्षकों से मदद ले लीजिए और पब्लिकली आके आप चीज़ों को आप डिस्क्राइब करते रहें, शिक्षकों का मदद रहा है परंतु इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी कि हम लोग लगातार शिक्षकों के पास जाए, ये छात्रों की लड़ाई है और छात्रों को मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। रही बात कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात, तो उसमें जब तक पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे फाइल कर सकते हैं, लॉयर को आप क्या कह के बोलेंगे,
डॉक्यूमेंट ठीक है जमा हो गया है, परंतु जो चीज़ें हैं आपको, अब पिटिशनर की बात है, पैसा होगा पिटिशनर भी हम लोग लेंगे और वहाँ फाइल करेंगे, लगभग 11-12 पिटिशनर, अगर 20 भी पिटिशनर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिटिशनर बनना बहुत ज़रूरी है। सब लोगों से हम मुलाकात करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, पीटी और मेंस का जो जो लोग हैं उनका, दोनों का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ों पर जो बातें होंगी वो होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ही लोग, 200 लोग तैयार हो जाए, 300 लोग ही तैयार हो जाए, परंतु आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप तैयार नहीं होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट जाना, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हो रही है उसमें काफ़ी है कि, और लोग अब बहुत सारे सेटर हैं उस ग्रुप में, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग या तो मेंस क्वालिफाई हैं या सेटर हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सके सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट में केस अगर हम लोग जीतते हैं या हारते हैं ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का होगा, परंतु आप लोग और हम लोग अभी तक सिर्फ बोलते हैं और कमेंट करते हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इस तरह की चीज़ें बिहार में ही होती जाएगी। तो सारे चीज़ों पर रोक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत है, और जिस तरह की चीज़ें हो गई है या हो रही है उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में रोक लगाई जाए, ताकि पूरा मामला बिहार में चल रहे परीक्षाओं में जो चल रहा है उसको रोक लगाने की कवायद शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय बिल्कुल सही निर्णय है, परंतु आप लोग आर्थिक सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द हम केस कोर्ट में केस फाइल कर देंगे साथियों, बस इंतज़ार है। और एक बात और कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, कि छात्रों तक की जो बात है, जो आवाज़ है या जो उनकी समस्या है उनको उन तक पहुंचाने या हम तक आने के लिए जो चीज़ें माध्यम है वो यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक आपको चीज़ों को पहुंचा रहे हैं साथियों। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।